तो हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 चैप्टर जिससे तुम 50 मार्क्स अटेंड कर सकते हो। लाइक इस टाइम में काफी बच्चे पूछ रहे थे कि लाइक काफी से चैप्टर्स हो, लाइक मैथमेटिक्स में 25 चैप्टर्स है, फिजिक्स में 25 चैप्टर्स है, तो लगभग दिखाया है तो तीनों सब्जेक्ट मिलाकर के 90 चैप्टर से करीबन है। तो आपको वो क्या चैप्टर्स करना चाहिए ताकि 50 मार्क्स आप इजिली अटेंड कर सकते हो। तो आप जैसे देख सकते हो हमारे साथ आपके लिए के भैया जुड़े हुए, रुस्तम भैया, जो कि करने कल्याणी गवर्नमेंट से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो ये अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि क्या क्या चैप्टर आप फॉलो कर सकते हो कि आप यहाँ से 50 मार्क्स अटेंड कर ही लोगे। सबसे पहले हेलो एवरीवन, मैं रुस्तम चक्रवर्ती। मैं लास्ट ईयर बैठा था जेई और WBJEE दोनों में ही। WBJEE में मेरा रैंक 1899 था और जेई मेंस में 38,421 था। इस चैनल सबसे पहले मैं सुमित भैया और सारी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। लास्ट ईयर इस चैनल ने में भी मुझे बहुत हेल्प किया था प्रिपरेशन के दौरान, तो थैंक यू सुमित भैया और बाकी एडुलेवे टीम को। तो सबसे पहले आपने पूछा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो हाँ, लाइक मैथमेटिक्स से सबको पता है कि मैथमेटिक्स से तो 100 मार्क्स आता ही है। अब बच्चे कॉन्फ्यूज होते हैं कि मैथमेटिक्स के बाद किसको टच करें, फिजिक्स या केमिस्ट्री। आई थिंक ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन के टाइम में था तो मुझे मतलब जैसा होता है मैक्सिमम जो जी एस्पिरेंट होता है या साइंस लेके बढ़ते हैं, फिजिक्स अच्छा लगता है केमिस्ट्री से ज्यादा। केमिस्ट्री में मेमोराइजेशन पार्ट बहुत रहता है, तो मैं मैथ्स के बाद फिजिक्स को टारगेट करता था क्योंकि फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था और फिजिक्स के मतलब अच्छा भी लगता था पढ़ने में, इसलिए मैं फिजिक्स को टच करता था मैथ्स के बाद। और अगर किसी को केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री को टच करना चाहिए। आई थिंक ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। मैथ्स तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा वेटेज रहता है WBJEE में, तो सबसे पहले तो मैथ्स को अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। इसमें अगर एक 50-60 मार्क्स आप ला पाओ टोटल 200 में तो एक अच्छा लीड रहता है। और WBJEE में सबको पता ही होगा, सब जूनियर्स को भी, कि अगर किसी दो कैंडिडेट के बीच में अगर मार्क्स में टाई हो जाए तो मैथ्स का मार्क्स से ही डिसाइड होता है। तो आई थिंक मैथ्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आई थिंक जो इंडिविजुअल प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। अगर तुम्हें फिजिक्स पसंद है तो गो फॉर फिजिक्स, और अगर केमिस्ट्री पसंद है तो गो फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स का दोनों का वेट अगर न्यूमेरिकली वेटेज देखें तो सेम ही है। तो आई थिंक ये आपको इंडिविजुअल पे ही जाना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो पहला आप मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो। अब सेकंड आप किसको पहले प्रेफर कर सकते हो, लाइक कि मैं पहले वीडियो मेंशन किया था कि आपको किन्हीं दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना होगा। अगर कोई दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लेते हो तो आपका जो ओवरऑल मार्क्स है वो अच्छा आएगा। अगर तीनों सब्जेक्ट पर इक्वल टाइम नहीं दे सकते हो इस टाइम पर, अभी जैसे आपके पास लगभग 2.5 मंथ्स बचा हुआ है, तो ट्राई कीजिए कि कोई पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट है, वो या फिजिक्स हो सकता है या केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स तो है ही, तो कर लेते हो तो आपका ओवरऑल जो मार्क्स है काफी बेटर आता है। तो पहले हम मैथमेटिक्स का डिस्कस करते हैं कि कौन कौन चैप्टर है कि आपको पढ़ना ही चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो लाइक आप देख सकते हो पहले हमने क्या लिखा है, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, एंड एरिया। क्योंकि देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स कर लेते हो ना तो आप एरिया कर ही लोगे, क्योंकि ये कोई बच्चा कर लेता है तो ये करना इजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग से कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट इक्वल अप्लाई होता है डेफिनेट इंटीग्रल में। देन कॉनिक सेक्शन, इसमें आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, पैराबोला हो गया। एंड ये 11th के ऐसे चैप्टर्स है जो कि पढ़ना चाहिए। काफी बच्चे का 11th वीक होता है, 11th में से पढ़ाई नहीं किए रहते, तो आपका 11th अगर काफी काफी वीक है तो आप एटलीस्ट इन पोर्शन को कर ही लीजिए। एंड AOD एप्लीकेशन डेरिवेटिव लाइक टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, ठीक है, इनमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो AOD करना ही चाहिए। एंड 3D ज्योमेट्री में से लाइक स्ट्रेट लाइन हो गया एंड प्लेन हो गया, तो ये करना है चाहिए आपको। तो रुस्तम, इसके अलावा कुछ लगता है कि हाँ ये चैप्टर्स भी कर सकते हैं आप? नहीं सुमित भाई, आपने मेजोरिटी चैप्टर कवर कर लिया है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता सकता हूँ लास्ट ईयर के। और आप तो पहले से ही, मेरे पहले से भी आप गाइड कर रहे हैं, आपको अच्छा नॉलेज होगा। तो मेरे हिसाब से जो टू दो मेन पार्ट है, अगर WBJEE में मैथ्स के सेक्शन की बात करें, तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट बहुत स्कोरिंग है, स्पेशली
स्पेशली 11 वाला तो पोर्शन, 12 में तो ज्यादा कुछ कोऑर्डिनेट का नहीं है, मेन 11 में है, मेन 11 का स्ट्रेट लाइन और वो कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर, वो मतलब अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मूला भी बहुत सारे हैं और ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन से आता है, और कॉनिक सबसे सेक्शन अच्छा वैसे पॉइंट ये थोड़ा है कि यहाँ पर जो ये हो गया, ये एंड ये तीनों 12th के पोर्शन है, मतलब काफी बच्चे जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं वो 12th में है, एंड ड्रॉपर कुछ ही बच्चे होंगे। तो अगर ड्रॉपर हो तो आप 11th का जो पोर्शन कर लीजिए, लेकिन जो 12th के बच्चे हैं जो 12th अपियरिंग है इस साल, उनके लिए अच्छा है कि जो मैक्सिमम जो चैप्टर्स है उनका वेटेज 12th में से ही है। हाँ, और जो अगर कोऑर्डिनेट के बात करें तो कॉनिक सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, मुझे लगता था डिफिकल्ट, बहुत सारे फॉर्मूले भी होता है और कॉन्सेप्ट भी होता है। तो अगर किसी को डिफिकल्ट लगता है, मैं ये अब टाइम भी लिमिटेड है, मैं बोलूंगा कि सिर्फ फॉर्मूला देख के जाओ और जेई मेन्स का PYQ कर लेना। 2002 से AIEEE का जो क्वेश्चन रहता है वो पहले पहले एकदम WBJEE का पैटर्न ही है, फॉर्मूला बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन है। तो अगर आप वो कर लेते हो कॉनिक सेक्शन में से, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो वहां से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वहां का आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा और आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं देना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट के अलावा और एक पार्ट है कैलकुलस, जो सबको पता है कि फिजिक्स में भी बहुत वेटेज है कैलकुलस वाला पोर्शन का, कॉन्सेप्चुअली देखे तो, और मैथ में तो है ही। तो मैथमेटिक्स में भी मैं बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन में नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो सबको ही कर लेता है, उसमें जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल्स है वो आपने लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे से करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में भी स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रल में से अच्छा क्वेश्चन आता है, और उसके साथ ही अलोंग विथ एरिया का टॉपिक है, एरिया के से तो बहुत ही क्वेश्चन आता है बिटवीन एरिया बिटवीन द कर्व से, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। डेफिनेट इंटीग्रल का वही सेम एडवाइस देना चाहूंगा कि मेंस का अगर PYQ आप देख ले, उसमें मैंने भी किया था, उससे मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जेई मेंस में, वो अगर कर ले तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगा जो डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया रिलेटेड टॉपिक में है। तो वो अगर आप मेंस का PYQ अगर अच्छे से कर जाए तो आपको मतलब एक लीड मिलेगा प्रिपरेशन में। वही बोलना चाहूंगा, ये जो चैप्टर्स है आप PYQ के तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, बाकी सारे चैप्टर्स कीजिए मत कीजिए, लेकिन आपको ये सारे चैप्टर्स पहले करना होगा। आप किए हो तो सही है, अगर नहीं किए हो तो जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए, देन आप बाकी सारे चैप्टर्स पर मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा मैथमेटिक्स का, आपको इसको करना ही चाहिए। बात करते हैं फिजिक्स का कि फिजिक्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो देख सकते हो हम लोग ने यहाँ पर जो चैप्टर्स रखा है सारे 12th के चैप्टर्स है। लाइक काफी सारे बच्चे का 11th वीक होता है या प्रिपरेशन नहीं करते, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो जेई एंड डब्ल्यूबीजी का 12th में जाने के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे चैप्टर से आपको करना चाहिए। लाइक मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर जो मैंने मॉडर्न फिजिक्स में आता है, बाकी और छोटे छोटे चैप्टर से आप कर सकते हो। तो ये आपको करना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। बाकी ऑप्टिक्स को मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, वो 12th के अंडर ही में आता है, लेकिन काफी सारे बच्चे हैं ऑप्टिक्स काफी बोरिंग लगता है, मतलब उनमें से मार्क्स आते हैं लेकिन आपको काफी टाइम इन्वेस्ट देना पड़ेगा। देखिए ये तीनों जो चैप्टर है इसमें अभी आपको टाइम इन्वेस्ट देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा। एंड जो ऑप्टिक्स है वो भी टाइम देना पड़ेगा लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिलता है। तो अगर आप इन सारे चैप्टर्स नहीं किए ढंग से तो ढंग से कर लीजिए, देन आप बाकी सारे चैप्टर्स को मूव कर सकते हो। तो रुस्तम जी, आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहते हो कि हाँ लगता है कि ये और चैप्टर्स कर सकते बच्चे? सबसे पहले एक मैंने मतलब बात बोलना चाहूंगा, आपने भी बोला कि मेजोरिटी बच्चे 12th में ही स्टार्ट करते हैं, ये सही है, क्योंकि जो लोग मतलब पहले से डिटरमाइंड होता है वो तो 11th में ही कोचिंग टोचिंग करते हैं, फिर कोटा करते हैं। अगर मेरा बात करूं, मैंने भी जेई WBJEE के स्पेसिफिकली लास्ट 6 month में ही किया था, तो वैसा कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि लेट से स्टार्ट करे तो नहीं होगा। मेरे भी एक डिसेंट रैंक आ गया था, उसके पहले मेरा बेस स्ट्रांग था कॉन्सेप्ट का, और आखिर में जेई WBJEE रिलेटेड प्रिपरेशन मैंने 6 month में किया था। तो आप भी कर सकते हैं, मैं अगर कर पाऊँ लास्ट 6 month में। और फिजिक्स का अगर बात करें तो 12th, अभी आप 12th के पोर्शन में ही ज्यादातर फोकस कीजिए, क्योंकि आप जो लोग 12th के साथ अपियर होने वाले हैं
क्योंकि वो ही आपको मतलब सबसे अच्छा रिटेंशन है अब 12th का पोर्शन ही, तो उसमें से तो मॉडर्न फिजिक्स है मतलब ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, वहां से बहुत कुछ क्वेश्चन आता है WBJ में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लेना, उसमें भी मॉडर्न फिजिक्स से अच्छा वेटेज है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, अच्छा आता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है। और मैग्नेटिज्म जो बात है, मैग्नेटिज्म के साथ एक मैग्नेटिक इफेक्ट का जो चैप्टर है उसमें से अच्छा क्वेश्चन आता है। मतलब इस बार जो मैंने WBJ था दिया था उसमें भी एक दो क्वेश्चन एकदम फंस गया था मेरा, नहीं हो रहा था, तो उसमें अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका मतलब वो अच्छे से नहीं हुआ तो ज्यादा ज्यादा मतलब लोड लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आता है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप उसके अलावा कुछ और फॉर्मूला बेस्ड जो चैप्टर है वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर 11th के पोर्शन के बारे में बोले तो उसमें से जो हीट एंड थर्मोडाइनमिक पोर्शन है वो बहुत स्कोरिंग है, उसमें से मतलब क्वेश्चन आता ही है, जैसे मतलब टेम्परेचर का बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है, वैसे T-24 = वो वाला कॉन्सेप्ट आप समझेंगे जो जूनियर्स है, वो वाला क्वेश्चन आता है, वो अच्छे से करना होता है। और वही, और थर्मोडाइनमिक्स 11th का थर्मोडाइनमिक्स तो ज्यादा टफ नहीं है केमिस्ट्री के कंपैरिजन, तो वो अगर कर जाए तो आपको मतलब अच्छा होगा। 11th का हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पार्ट भी अगर आप कर ले जो 12th में है अभी। तो देखिए ये सारे चैप्टर्स पहले कर लीजिए, अगर आपके पास समय बचता है तो आप बाकी सारे चैप्टर्स मूव कर सकते हो। तो काफी बच्चे कमेंट यही था कि इतने सारे चैप्टर्स हैं मुझे समझ में आ ही नहीं रहे, मैं किसको पहले करूँ से बाद में करूँ। तो जैसे इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि आप कोई अच्छा डिसेंट रैंक अचीव नहीं कर सकते हो, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप एक रीजनेबल रैंक अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेस स्ट्रांग नहीं है तो नहीं आ सकता है, मतलब काफी एडवांस के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। काफी बच्चे का ये सोचना होता है कि एडवांस क्वेश्चन नहीं कर सकता हो तो रैंक अच्छा नहीं आ सकता, तो अपने बेस स्ट्रांग है तो रैंक डेफिनेटली अच्छा आने वाला है। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री की बात करें तो देख सकते हो GOC मैंने लिखा है, ब्लॉक केमिस्ट्री, तो यहाँ पर एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एड एफ ब्लॉक हो गया, ये चारों ब्लॉक केमिस्ट्री आप कर लीजिए, तीनों चारों इंपॉर्टेंट है। एंड इक्विलिब्रियम में केमिकल एंड आयोनिक आपको दोनों ही करना चाहिए। एंड केमिकल बॉन्डिंग देखिए मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता था, लाइक काफी सारे बच्चों को टफ लगता है, वो इसको स्किप करते हैं, एंड मोस्टली ये 11th का चैप्टर है तो बच्चे और नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़ लेते हो ना तो बाकी सारे जो चैप्टर्स है वो आप इजिली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट काफी इंक्लूड किया गया है, मतलब भर भर के कॉन्सेप्ट है यह, तो इसलिए आपको पढ़ना है चाहिए। एंड GOC मतलब आपका जो 11th का जो ऑर्गेनिक है, क्योंकि आप अगर 11th का ऑर्गेनिक कर लेते हो तो आपका 12th का ऑर्गेनिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बच्चे 12th ऑर्गेनिक से नहीं करते क्योंकि जो 11th का ऑर्गेनिक है वीक था, तो आपको 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना ही चाहिए। तो रुस्तम जी आपको कुछ लगता है कि इस और कुछ चैप्टर को ऐड करना चाहिए लाइक अदर देन दिस? देखो केमिस्ट्री में तो मतलब मुझे मुझे जितना लगता है तीन पार्ट होता है केमिस्ट्री में, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर फिजिकल का बात करें तो इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा वेटेज रहता है, इक्विलिब्रियम तो करना करना चाहिए अगर मार्क्स स्कोर करना है। और केमिकल बॉन्डिंग आपने बोला कि बाकी चैप्टर में हेल्प करता है, और केमिकल बॉन्डिंग का डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना, वो सब पॉइंट्स में भी क्वेश्चन आता है। और अगर आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लेते हो तो मतलब 12th में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलता है, जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो भी हेल्प मिलता है। तो केमिकल बॉन्डिंग अगर करते हो तो मतलब केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ आपका बाकी सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगा कि 12th में जो केमिकल काइनेटिक्स वाला पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन आता है रेट लॉ का रिगार्डिंग लेके क्वेश्चन अच्छा आता है, वो करना होगा। और अगर इनऑर्गेनिक के बात करूं तो ब्लॉक केमिस्ट्री है, अच्छे से करना पड़ेगा। और ब्लॉक केमिस्ट्री में भी जो 12th में पी ब्लॉक वाला पोर्शन है वो उससे मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और JEE WBJEE में भी आते हैं। तो ब्लॉक केमिस्ट्री का आप ज्यादा 12th वाला पोर्शन से ज्यादा वेटेज रहता है 11th के कंपैरिजन में। और अगर ब्लॉक केमिस्ट्री, सबको एक दिक्कत होता है कि मेमोराइजेशन का एक दिक्कत आता है, सबको होता है, मेरे मेरे को भी होता था, तो रिएक्शंस याद रखना वो सब, तो
तो उसके लिए अगर जेई का बात, जेई और डब्ल्यूबीजेई का बात करूं, तो आपको पीवाईक्यू करना चाहिए जेई मेंस का। मैं हर टाइम ही जेई मेंस का पीवाईक्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत हेल्प किया था लास्ट के टाइम में। जेई मेंस का पीवाईक्यू कर लीजिए आप, ब्लॉक केमिस्ट्री का सारा, उससे आपका मतलब जो मेमोराइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ऑर्गेनिक जो पोर्शन है उसमें 11th का ज्यादा आता है, 11th का जो जीओसी पार्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, वो सब का कॉन्सेप्ट पे लेके क्वेश्चन आता है। ये आप आइजोमेरेज़ तो को स्किप कर सकते हैं, काफी बच्चे आइजोमेरेज़ पर इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि बाकी सारे चैप्टर्स को फोकस नहीं करते हैं। तो आइजोमेरेज़ से बस काफी कम ही क्वेश्चन आएगा एंड आपको टाइम इन्वेस्ट काफी देना पड़ता है। तब चाहो तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर आइजोमेरेज़ स्किप कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे आप देख सकते हो मैं कुछ कुछ चैप्टर्स लिखा हूँ, लाइक पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, न्यूक्लियर लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री। टेक्स्ट बुक छोड़ने का नीड बिल्कुल नहीं है, मैं इसका हैंड रिटेन नोट्स ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। पॉलीमर का हैंड रिटेन नोट्स मैं ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन एडोलबिया पर अपलोड कर दिया हूँ, एंड बाकी जितने भी चैप्टर्स है उसका भी हैंड रिटेन नोट्स मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप नोट्स फॉलो कीजिएगा तो 90% आप क्वेश्चन वहां से कर सकते हो। तो ये सब डिस्कशन था जो कि बच्चों को नीड था कि क्या करे कैसा ना करे। अब जैसे काफी बच्चे कमेंट करेंगे कि काफी सारे चैप्टर्स को मैं स्किप कर दिए, तो देखो हम लोग ने कुछ चैप्टर्स को नोट करके रखा है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करना है और कुछ नहीं करना है। टेक्स्ट बुक फॉलो करने का नीड नहीं है, आपके पास अभी उतना समय नहीं है। तो अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो तो 70% आप मार्क्स तो अटेंड कर लोगे इन सारे चैप्टर से। रुस्तम आपको लगता है कि कुछ और चैप्टर ऐड करना चाहिए, लाइक पीवाईक्यू का करना नेसेसरी है? देखो अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप पूरे सिलेबस कवर कर पाओगे। अभी का जो नीड ऑफ द आवर है कि आपको मतलब लिमिटेड करना पड़ेगा, और लिमिटेड में जो पोर्शन होगा वो उसका एग्जाम में वेटेज सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। तो पिछले आपने देखा कि कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, वो तो अब अभी आप उस चैप्टर पे अच्छे से मतलब अपना ग्रिप बनाइए। और बाकी जो और जो चैप्टर बचता है उसमें पीवाईक्यू, अगर पीवाईक्यू करें तो बहुत हेल्प मिलता है। जैसे कि मतलब जेई मेंस का अगर पीवाईक्यू करें तो उससे बहुत हेल्प मिलता है, मुझे भी हेल्प मिला था। तो यहाँ पर तो जो उसके अलावा भी बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो अच्छे से सुमित भैया ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले आप पहले जो इम्पोर्टेंट बताए वो अच्छे से ग्रिप करिए, फिर अगर समय बचे तो ओके बाकी चैप्टर्स का भी पीवाईक्यू साथ में कर लीजिए। और अगर जो अभी तक आपने टच नहीं किया या आपका कॉन्फिडेंस नहीं है वो स्किप कर दीजिए। अब अभी बेकार मतलब टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, जितना आपने पढ़े हैं उसका आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, कहाँ क्या गलती हो रहा है वो एनालाइज कीजिए, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। बाकी आप जब पीएफपी कर रहे हो ना तो देखो अगर आपका अच्छा खासा ग्रिप है इन सारे चैप्टर्स में, मतलब हाँ अब आपको अच्छा नॉलेज है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, तो आप ईयरली वाइज पीवाईक्यू कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट काफी वीक है तो आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये रहा डिस्कशन, आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ना चाहिए, लाइक हम पूरा डिस्कस कर चुके ब्रीफ में, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको पहले कवर अप कीजिए, ये हो जाने के बाद बढ़िया से करना होगा। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कर लिए एंड बाकी सब चैप्टर्स मूव कर रहे हो, तो बढ़िया से कीजिए। इसके हो जाने के बाद आप ये सारे चैप्टर्स का पीवाईक्यू कर लीजिए, चैप्टर वाइज कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट मिस हो गया, इसको ऐड करना चाहिए, कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। एंड जैसे मैं बताना चाहूंगा कि रुस्तम भैया का एक कोरा में काफी सारे रिव्यू करते रहते हैं रिगार्डिंग डब्ल्यूबीजी, तो उसका जो लिंक है हम लोग सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। एंड कुछ भी इनसे कुछ पर्सनल डिस्कशन कराऊंगा तो इनका इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन अटैच कर दूंगा, या कमेंट कर सकते हो तो ये आपको यहाँ पर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है।